तो भाई सर, आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रात सिमुलेटर, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यार आज हम लोग ना मुर्गियों के लिए कूप बनाने वाले हैं बढ़िया वाला, जहाँ पे ना काफी सारी मुर्गियां भी आ सके और काफी सारे अंडे जब देंगी ना तो हम लोग आराम से उनको पिक करके सेल कर सके अच्छे प्राइसेस में। वेल शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ऑलराइट, तो कैसे सुबह हो चुकी है, वेल डे 5 शुरू हो चुका है। आई नो डे 3 पे मैंने गेम छोड़ा था, फिर 2-3 दिनों में ना मैंने काफी सारा काम किया है भाई। यहाँ पे प्लैंक्स वगैरह बनाया है मैंने मशीन से, जितने भी यहाँ पे पेड़ वगैरह थे ना सारे कट कर दिए मैंने, और देखो अभी थोड़ा ना क्लीन क्लीन लग रहा है। और ये देखो वेल हमारी मुर्गियों का एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे हो चुका है भाई, लेट्स गो। ये देखो छोटा सा प्यारा सा भाई, एक सेकंड इसको पिक करूं तो ये देखो यार कितना सा बच्चा है, ये दिख भी नहीं रहे तो वेल काफी सही है। वेल हम लोग ये वाली जगह ना चेंज करने वाले हैं और इसके जगह पे हम लोग बढ़िया सा कूप फार्म बनाने वाले हैं। वेल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे बनाऊंगा। वेल मैंने ब्लू प्रिंट तो वैसे तैयार है नहीं, पर आई नो क्या बनाना कैसे बनाना है, और मैं यहाँ पे ना बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए स्मॉल कूप। मैं वैसे मीडियम कूप बनाने की सोच रहा था लेकिन उसमें मेटल चेयर आता है, मेटल के हमारे पास पैसा है नहीं। जब हमारे पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना उसके बाद मैं स्मॉल कोप की जगह मीडियम वाले लगाएंगे। ठीक है, मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। मैं घर के सामने बनाने की सोच रहा था, लेट्स सी घर के सामने है कि नहीं। चलो ये घर के सामने है, दैट्स गुड। इसी के साथ में एक और लगाता हूँ, और भी लगाने हैं मेरे को, काफी सारे लगाने। प्लैंक मेरे पे काफी सारा पड़ा हुआ है तो इसलिए कोई सीन नहीं है इतना। एक ही साथ में सारे के सारे लगा देता हूँ, आई 4 बहुत है। और ना यहाँ पे मैं लेता हूँ फेंस। वेल लेट्स सी यहाँ पे, अगर यहाँ पे कूप हमारे बनेंगे ठीक है। ओके, और आई थिंक ये डन है यहाँ पे। तो आई गेस ये वाला ब्लू प्रिंट जो है ना आई गेस तैयार है, लेकिन ये वाला थोड़ा गलत लगा दिया मैंने। फटाफट से ब्लू प्रिंट तैयार कर देता हूँ, देन आप लोगों से मिलता हूँ। भाई ये ब्लू प्रिंट बनाते बनाते ना पूरी रात हो चुकी है यहाँ पे। आई नो कुछ लाइक बिल्कुल ना गड़बड़ सी हो रही थी, पर अभी ना मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। यहाँ पे मैंने दरवाजे ऐड कर दिए हैं, ये फेंसेस ऐड कर दिए, और यहाँ पे कूप वगैरह ऐड कर दिए हैं। मैं फटाफट से ना भाई लकड़ियाँ लाता हूँ, उसको ना फिनिश करता हूँ यहाँ पे, इनको फटाफट पिक करते हैं और ना यहाँ पे फटाफट कूप को बनाना शुरू करते हैं। फिर हम लोगों को यार यहाँ पे ना काफी सारी मुर्गियां भी लेके आनी पड़ेगी और ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, काफी सारा प्लैंक लेके जाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ ना, गाड़ी में भर लेता हूँ सारा का सारा भाई। इस गाड़ी में ना तेल भी कम है यार, मेरे को तेल भी भरवाना पड़ेगा इसमें। आई थिंक फ्यूल कैन तो भाई पूरी खाली हो गई मशीन को चलाते चलाते। चलो इसका एक बार ओपन करता हूँ, फटाफट से सारा कुछ भर लेता हूँ इसमें ठीक है। वो तो अच्छा है यार, मैंने पेड़ वगैरह कट करके ना मशीन से सारा प्लैंक वगैरह जो है ना बना दिया वैली। फिर ना बहुत इशू होता है क्योंकि प्लैंक खरीदने में भाई $8 का प्लैंक खाते हुए बहुत महंगे होते हैं। स्टार्टिंग में तो भाई खरीदना लाइक बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं बचते। फिर मेरे को लग रहा है ना मैंने घर जो है ना गलत बना दिया भाई, मेरे को ना पहले स्टार्टिंग फार्मिंग से करनी चाहिए थी। अभी जो हमारी मुर्गियां है ना उनको फटाफट से पालना शुरू करना पड़ेगा अच्छे से, ना अंडे वंडे अच्छे से दे, और भाई काफी सारी मुर्गियां हो जाएंगी ना तो मार के ना सेल कर देंगे भाई, ताकि ना उसका जो मीट होता है ना उसका भी काफी अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है। तो देख लेते हैं भाई क्या सीन है। मैंने आई थिंक जितना प्लैंक हो सकता था ना उतना लोड कर दिया है, नौ ही पास में ही है, पर मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ना बार बार भाग भाग के आना पड़ रहा है यार इधर, इसलिए फटाफट से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यार मेरे को लग रहा है ना प्लैंक की कमी होने वाली है, कुछ ज्यादा ही प्लैंक चाहिए भाई हमें तो। इनको फटाफट से ऐड करता हूँ यहाँ पे, 15 प्लैंक चाहिए भाई इसमें तो। देखो और प्लैंक लाने पड़ेंगे लगता है यहाँ पे मेरे को। मैं मुर्गियों का फार्म इसलिए बना रहा हूँ ताकि ना यार काफी सारी मुर्गियां रहेंगी ना तो भाई अंडे वगैरह अच्छे से बिकेंगे और काफी सारे ना अमाउंट में पैसा भी जनरेट होगा ना, तो काफी सारा पैसा भी हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा ना, तो फिर हम अच्छे से ना दूसरी फार्मिंग भी कर पाएंगे। इसलिए मैंने हम लोग ना काफी सारी फैक्ट्रीज भी खड़ी कर पाएंगे भाई इस जगह पे, इसलिए मैं ना ये सारा कुछ बना रहा हूँ अभी। तो अभी एक काम करते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा रात हो चुकी है भाई, 1 बज गया, मेरे को ना सोने जाना चाहिए भाई। मैं सो ही नहीं रहा हूँ, मैं अंधेरे में काम किए जा रहा हूँ तब से। सो जाते हैं फटाफट से यहाँ पे, सुबह काम करेंगे भाई सारा का सारा। भाई यहाँ पे प्यारी सी सुबह हो चुकी है, डे 6 हमारा शुरू हो चुका है यहाँ पे, और आई गेस हमारा कूप का काम जो है ना पूरा हो चुका है लगभग। ओपन कर देता हूँ, मेरे को खाना भी लाना पड़ेगा यार। और तो एक सेकंड, मैंने 3 ही बनाए हैं, 4 बनाने थे ना, चलो वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो मैंने यहाँ से मुर्गियाँ वगैरह ले जाता हूँ सारे के सारे, देख लेता हूँ भाई यहाँ पे काफी सारे अंडे भी हो गए तो। ओके ठीक है, मेरे को हटाना पड़ेगा वैसे सारा का सारा ना, पहले मैं काम करता हूँ सारा कुछ ले जाता हूँ यहाँ से। मेरे को ना यार खाने का ना कुछ और करना पड़ेगा, खाने पीने का। इन सबके लिए क्या एक एक टैंकर लगाऊं क्या यहाँ पे मैं भाई? टैंक लेके आने पड़ेंगे ये वाले। चलो ठीक है कोई नहीं, ले आऊंगा मैं फटाफट से सारा का सारा सामान लेके ना मैं वहाँ पे लगा देता हूँ ठीक है। मुर्गियों के साथ तो भाई बड़ा धीरे धीरे भागता है ये, कहाँ जा रही है? हेलो हेलो, अरे छोटे छोटे बच्चे भी निकल के भाग रहे भाई इनके, तो गाड़ी लेके आ जानी चाहिए यार, बहुत गड़बड़ हो गई है। तो अभी देखते हैं क्या सीन है, भाग गए ना बस ये लोग, एक एक करके लाना पड़ेगा भाई। वो कैसे बाहर घूम रहे हैं? जरा दो मुर्गी है ना, अरे तीन, अच्छा वो वाली मुर्गी वहाँ पे रख के आ गया। मैं सोचा भाई कहीं ना भाग गई होगी। छोटे बच्चों को ना मैं एक काम सोच रहा हूँ ना, इनको ना छोटे बच्चों को ना इस वाले में रखूंगा मैं सोच रहा हूँ, और इसमें ना सारे के सारे लाइक बड़े बड़े वाले आएंगे उसके राइट राइट में, जो छोटे छोटे वाले रहेंगे उनको लेफ्ट वाले में रखेंगे हम लोग। फटाफट से लेके चलते हैं भाई, क्या है और कितना धीरे धीरे भागता है। तो ये सारा पैसा इकट्ठा करना
पड़ेगा। लेटर ऑन जब हमारे पास लाइक थोड़े बहुत पैसे वैसे आने लगेंगे ना, तो हम लोग चैलेंजेस वगैरह भी रखेंगे कि जिसमें ना लाइक काफी सारा पैसा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, उसको फटाफट से पिक करता हूँ मैं यहाँ से। और ना मेरे को भी अंडे वंडे भी ना सारे के सारे यहाँ पे ला के रखने पड़ेंगे, तो वो एक काम करता हूँ उसको इसमें डाल देता हूँ। इनको खाना भी देना पड़ेगा यार, खाना भी लेके आना पड़ेगा मेरे को भी, नहीं तो मर जाएंगे भाई ऐसे ही। यहाँ पे ना ये वाला जो है ना फर्टिलाइज है गया, मेरे को जितना पता है। एक सेकंड, डोंट टेल मी। शिट, मैंने अंडा फोड़ दिया गलती से। शिट शिट शिट, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं इनको ना यहाँ पे रख देता हूँ अंदर। और तो अंडे नहीं है उसमें। ओके ठीक है, तो मैं इस बास्केट को यहाँ पे रख देता हूँ लाके। वेल इसको ना मैं बाद में चेंज करूंगा, मीडियम वाले लगाऊंगा यहाँ पे जब हमारे पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। बिगले मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। और हमारी मुर्गियों ने भाई दो बच्चे भी दे दिए भाई, चलो ठीक है। और ना एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसका कोई काम नहीं अभी हमें। ओ यहाँ पे हम लोगों को लकड़ियाँ भी वापस मिलती है भाई, चलो ये काफी अच्छी चीज है। प्लैंक वगैरह मैं बाद में लेके जाऊंगा यहाँ से। ठीक है भाई, क्या हो रहा है। चलो इनको मैं ना यहीं पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए। और ये भी यहाँ पे रख दिया मैंने अभी के लिए। ठीक है, और अभी हम लोगों ने हमारी मुर्गियों के लिए खाना लेके आना है भाई, टैंक लेके आना है, खाना लेके आना है इनके लिए। राइट, अभी फटाफट से चलते हैं, नहीं तो शॉप वगैरह भी ना लेट हो जाता है ना, तो बंद हो जाती है भाई। तो एक काम करता हूँ, अभी मैप खोलता हूँ और हम लोग चलते हैं जनरल स्टोर में। ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है वैसे ही, तो हम लोग ऐसे भटकते हुए जाएंगे ना भाई यहाँ से। फोन घूमता फिरते जाए भाई, तेल खत्म हो जाता है गाड़ी से। चलो अभी हम लोग फटाफट से जनरल स्टोर पहुँचते हैं और सारा सारा सामान खरीद के लेके आते हैं हमारी मुर्गियों के लिए। तो कई सर हम लोग पहुंच गए हमारे जनरल स्टोर में, और यहाँ पे ना फटाफट से खरीद लेते हैं सारा का सारा सामान। हम लोग ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ी ना मुर्गियाँ भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी तादाद बढ़ानी पड़ेगी इसलिए। और हमारे पास सिर्फ $290 है भाई, तो आई थिंक दो मुर्गी बहुत रहेगी। और आई थिंक एक दो तीन आई डोंट नो 250 होगा ना। राइट, तो आई थिंक इसी में मेरा सारा का सारा भाई सारा पैसा इसी में जाने वाला है ऐसा लग रहा है। बास्केट खरीद लेता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी काफी सारे अंडे आने वाले हैं इसलिए। ठीक है, आई थिंक बहुत है इतना, 280 इज इनफ आई गेस। अभी मेरे पे सिर्फ $10.19 बचे भाई, लेट्स गो। मेरी मुर्गियाँ कहाँ सारी की सारी इधर भाई। तुम लोग भाई इतना सारा सामान खरीद लिया मैंने, वो सेकंड रुको मैंने एक काम करता हूँ, अच्छे से जमाना पड़ेगा सारा कुछ मेरे को। भाई ये सारा सामान आएगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारा सामान ले लिया भाई। लेट्स सी एक के ऊपर बास्केट आ जाएंगी कि नहीं। चलो आ तो रही है, चलो दैट्स गुड। फटाफट से रख लेता हूँ इसको भी, आ जा। चलो गुड, एक ही के अंदर हम कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं देख रहे हो। बोरिया लेके जा रहे हैं अभी तो खाने की, और एक और बोरी है, आई होप ये आ जाए इसके अंदर। नहीं आ रही ना यार ये, शिट गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो, ऐसे नहीं आएगी। और इसको ना कुछ करना पड़ेगा इसका। ओके, तो हम लोगों ने भाई बोरी अभी रख दी है, लेट्स गो। अभी हम लोगों ने फटाफट निकलना है हमारे रांच पे, तो अभी आई होप मुर्गियों को ऐसा कुछ ना हो। चलो ठीक है भाई, एकदम फ्रंट फ्लिप मारते हुए ना हम लोग अभी गाड़ी से, लेट्स गो। अभी हम लोगों की ना मुर्गियों की तादाद बढ़ने वाली है भाई बहुत जोर की। इनको मार मार के ना सेल कर देंगे, ताकि ना काफी ज्यादा लाइक पैसा वैसा हमारे पास जनरेट हो जाएगा काफी सारा मुर्गी। पहले तो खाना निकालता हूँ यहाँ पे, इसको ये लो भाई खाओ तुम, एंजॉय मारो यहाँ पे। और इसको भी तो लेके मेरे को ना यहाँ रखना पड़ेगा बच्चों के लिए अलग से, बच्चे ना इतना खाएंगे नहीं इसलिए मैं ना इनको अलग कर दिया इसलिए, क्योंकि ना फिर सारा सारा खाना खत्म हो जाएगा नहीं तो इसलिए। और इसको ना यहीं पे रख देता हूँ बगल में इसी। और यार बाल्टी तो हम लाए नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, बाल्टी की तो हमें जरूरत पड़ने वाली थी। और शिट, बाल्टी हमारे पास एक ही है, बाल्टी के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास नहीं। तो यार हम लोगों को ना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा भाई काफी सारा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्या मैं लकड़ियाँ वगैरह जो है सेल कर सकता हूँ इसके अंदर? अगर कर सकूंगा ना तो फिर वो ज्यादा अच्छी रहेगी चीज, क्योंकि ना लकड़ियाँ वगैरह बेच के ना मैं काफी सारा पैसा अर्न कर लूंगा, फिर कोई सीन नहीं रहेगा। एक तो यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, चलो ये रख दिया मैंने यहाँ पे। 7 अंडे है भाई, 7 अंडे में क्या ही आएगा। राइट, तो इसमें खाना तो रख दिया मैंने, इन लोगों का पानी भी चाहिए और हम लोगों को भी। तो पानी के लिए आई गेस मेरे को ना ये वाले अंडे सेल करने पड़ेंगे भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो फटाफट से बैठते हैं और ना बर्गर वाली शॉप पे चलते हैं हम भाई। तेल भी भराना पड़ेगा, तेल भी नहीं गाड़ी में, वो ज्यादा जल्दी कंगाल हो गए भाई, पैसे नहीं बचे। हम लोगों ने गलत बना लिया यार, घर नहीं बनाना चाहिए था हम लोगों को, वो तो यही लग रहा है हम लोगों ने गलत कर दिया वहाँ पे पैसे वेस्ट करके। वो भाई आराम से कैसे चल रही है गाड़ी? ओके यार, हम लोगों को एक तो ओवोस्कोप भी खरीदना है भाई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 1.4 भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं ना इनको, 8.4 का एक अंडा बिक रहा है, लेट्स गो। $59 मिल गए आई थिंक। अभी हम लोग ना खरीद पाएंगे बकेट वगैरह जो हम लोगों को चाहिए है। अभी जनरल स्टोर पहुंचते हैं सीधा का सीधा वहीं पे। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जनरल स्टोर पे और यहाँ उतरते हैं फटाफट से, और हम लोगों को खरीदनी है कुछ बकेट्स वगैरह। राइट, दो बकेट खरीदनी है, दो बकेट कितने की आएगी भाई इसमें? यार खाने की भी जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं सोच रहा हूँ खाने ही खरीद लेता हूँ फिलहाल के लिए। खाना बहुत जल्दी खत्म होने वाला है जब उनकी तादाद बढ़ेगी तो इसलिए। तो अभी ना फटाफट से यहाँ पे बंद करते हैं इसको, इनको फटाफट से रखते हैं यहाँ पे, और इसको बोरे को यहाँ रख देता हूँ। बैठता हूँ फटाफट से गाड़ी में और निकलते हैं भाई हमारे लॉन्च पे फटाफट से, पानी वानी की कमी ना हो यहाँ पे। तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पे, और ये भी बचा है ना।
डाले भाई, इसको भी इंस्टॉल कर दे यहाँ, ठीक है। खाना वाना जो है ना एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि बाद में अगर जरूरत पड़ी तो, इसलिए इसको भी रख के ना यहाँ पे रख देता हूँ इसके ऊपर वो। और ना फटाफट से गाड़ी को पीछे भाग करके आ जाता हूँ। थोड़ा टाइम तो यार वेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ना ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि ना अंडे वगैरह हम लोगों को बहुत जरूरत है अभी तो, क्योंकि अंडे वगैरह सेल करेंगे ना तो काफी अच्छे अमाउंट में सेल होंगे। और 1.4 में मल्टीप्लायर पे बिक रहा था भाई, काफी अच्छा खासा प्राइस में था वो तो। पर यार यहाँ पे ओवोस्कोप यार मैं खरीदना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको उठाऊंगा मैं। ओके तो ये अरे नहीं लेके जा रहा, नहीं लेके जा रहा, नहीं लेके जा रहा, जाओ अंदर आओ। ओके तो ठीक है, वो वाला जो अंडा है ना 3 दिन के अंदर फर्टिलाइज हो जाएगा और उससे एक और मुर्गी निकलेगी भाई, देख रहे हो। हमारा एक कूप फार्म जो है ना काफी बढ़िया काम करने वाला है, मजा आ जाएगा भाई। फिर इसको मीडियम में चेंज कर देंगे, धीरे धीरे करके अपग्रेड कर देंगे, नहीं तो मीडियम का ना अलग बना देंगे भाई। इसी को अपग्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा जगह भी नहीं खाएगा इसलिए। अब जाए हम लोग चिकन में, तो चिकन में आई गेस अभी हमारे जो है ना आई थिंक ये है ना अभी, तो अभी चेंज होगा फिर इसमें बनेगा भाई, ये तो बड़ा टाइम लगेगा, छोटे छोटे से बच्चे हैं तो अभी। बहन का खाना, तुम मेरे को मारने में क्यों लगी है, खाना खाना हो जाके, भूखी मर रही है। और मेरे को ना ये गेम ऑफलाइन ही खेलना पड़ेगा, ताकि ना ये ताकि ये लोग जल्दी से बड़े हो जाए, काफी सारे अंडे वंडे ना दे देंगे ना तो हम लोग सेल करने चाहिए भाई सारा। पहले अभी के लिए हमारा कूप फार्म ऐसा है, और ना इसको मैं 4 का कर दूंगा ऑफलाइन बैठ के, ताकि ना और भी ज्यादा बड़ा कर सके हम लोग इस फार्म को। यहाँ पे भी 2-3 और ऐड कर देंगे भाई। और ये वाला अंडा ना मैं काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ, हाँ इसको इस वाले में रख देता हूँ, ताकि ना ये जब ग्रो होगा ना तो डायरेक्टली छोटे बच्चे में लाइक पता है ना खाने लग रहे भाई, इतनी दूर से मार रहे भाई मेरे को। मेरे को सारे फेड वेड काट के भाई और प्लैंक्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो यूं खत्म हो जाते हैं। और एक सेकंड रुकी, सारा कुछ ना हटा के आ जाता हूँ मैं, फालतू का कचरा हो रखा है। और यहाँ डेमोलिश कर देता हूँ सब कुछ, हटा दिया मैंने। और यहाँ पे नहीं पता नहीं क्या बना हुआ है, यहाँ पे हटा रहा हूँ भाई मैं इसको। क्या है, बार्न हाउस लग रहा है मेरे को ये। चलो ठीक है, इसको हटा दिया हम लोगों ने भाई, ये बार्न हाउस हम लोगों ने तोड़ दिया, ये पूरा टूटेगा ब्लैक। लेकिन अभी नहीं, अभी तो भाई पैसों की कंजूसी चल रही है एकदम, मतलब पैसे नहीं बचे बिल्कुल भी हमारे पास। जब पैसे हो जाएंगे ना काफी सारे, ऑफलाइन बैठ के करना पड़ेगा यार पैसों का काम मेरे को ना, ऐसे नहीं बैठ, क्योंकि ऐसे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में। ऑफलाइन खेल के ना उसको ऐसे ऑन करके रख दूंगा, ताकि नहीं अपने आप ही बैठे रहे और खाना वाना ला के इनको देता रहूंगा, ताकि अपने आप ही अंडे वंडे देते रहे और अपने आप ही सारा काम चलता रहे इनका। यहाँ पे अभी देख लेता हूँ इनका क्या सीन है, यहाँ पे 3-4 मुर्गियां, यहाँ पर एक मुर्गा है वहाँ पे, ठीक है। और मेरे को एक और मुर्गा लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पैसे है नहीं भाई, वेट करना पड़ेगा भाई काफी सारा। हम लोग खाना पीना खा क्यों नहीं रहे भाई, क्या हो रहा है तुम लोग? ये लोग अंडे भी नहीं दे रहे भाई, बहुत बहुत धीरे धीरे अंडे दे रहे हैं यार ये तो। मेरे को ना ओवर रूस्टर लाने पड़ेंगे और उसके लिए पैसे चाहिए। मैं यार वेट करने वाला हूँ काफी सारा इनके अंडे देने का, और भाई उनको सेल करके ना थोड़ा पैसा वैसा अर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग ना सोने वाले हैं भाई, आराम करेंगे थोड़ी देर के लिए। ऑलराइट, तो गाइस सर आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर मजा आया तो नीचे लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।